सब्सक्राइब करिए कुक विद जोया को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अस्सलाम वालेकुम, कुक विद जोया के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा रेसिपी बहुत इजी तरीके से। ये है चिकन समोसा, बनाने में बहुत झटपट बन जाता है और खाने में बहुत डिलीशियस है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन समोसा बनाने के लिए आज हम यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे है आधा किलो के आसपास चिकन है। इसको हम बॉईल करके इस तरीके से रेशा रेशा कर लिए हैं। यहाँ पे नमक लिए हैं कुटी हुई, ये आप देख पा रहे हैं कुटा हुआ खड़ा धनिया है। यहाँ पे जीरे का पाउडर है एक पिंच के आसपास। यहाँ पे हम ये काली मिर्च लिए हैं एक पिंच। यहाँ पे प्याज है, मैदा है यहाँ पे। यहाँ पर हम अदरक और लहसुन को इस तरीके से कूट के लिए हैं। आधा चम्मच अजवाइन है इस तरीके से कूटा हुआ, हरी मिर्च है। और यहाँ पे एक चम्मच हम सौंफ लिए हैं, इसको भी हम रोस्ट करके और इस तरीके से दरदरा इसको हम कूट लिए हैं। यहाँ पे हम आलू लिए हैं, तीन मीडियम साइज़ के आलू हैं बॉईल करके, और इस तरीके से हाथ से हम इसको मैश कर लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैं इसको ऐड करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक बर्तन लिए हैं, सबसे पहले हम अपना मैदे का डो तैयार करेंगे क्योंकि इसको हम थोड़ा रेस्ट पर रखेंगे। इसलिए ये छन्नी है, हम यहाँ पर मैदा छान लेंगे। दो कटोरी के आसपास मैदा लिए हैं, आपको जितना लेना है मैदा आप उतना ले सकते हैं, क्वांटिटी आपकी रहेगी। मैदा हम छान लिए हैं, अब इसके अंदर हम एक चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद इसमें हम ये जो अजवाइन है, अजवाइन को हम तवे पे रोस्ट करके तब इसको हम डाल रहे हैं, इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम तीन से चार चम्मच तेल डालेंगे। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी डाल सकते हैं, अगर घी नहीं है तो आप तेल से भी इसको गूंद सकते हैं। पूरा मैदा हम तेल से नहीं गूंदेंगे, तीन चार चम्मच डालेंगे, उसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगा तो हम पानी से इसको अच्छे से इसके अंदर हम नमक और अजवाइन डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम तेल डालेंगे, इसके अंदर हम चार चम्मच तेल डाले हैं, और तेल डालने के बाद इस तरीके से अच्छे से इसको रब कर देंगे। अब यहाँ पे हम ये आप देख पा रहे हैं एक कप पानी लिए हैं, और इसमें कितना पानी लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे, इसको एकदम जैसा हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से गूंदेंगे। तो चलिए पानी डाल के इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। हमारा मैदा ये देखिए कितने अच्छे से, ये बहुत अच्छे से गूंदा गया है, ये आप देख पा रहे हैं। कितना पानी लगा वो मैं आपको बता दूं, ये कप से आधा कप पानी लगा है, ये आप देख पा रहे हैं इतना पानी हमारा बचा है। तो इसके ऊपर हम तेल लगाकर और इसको 10-15 मिनट जो भी है 10-15 मिनट के आसपास इसको हम रख देंगे। तो चलिए तेल लगा लेते हैं इसके ऊपर। तेल इसके लिए लगाएंगे क्योंकि ये सूखे तो पपड़ी नहीं पड़े, इसके लिए इस पर हम अच्छे से तेल लगा के और इसको रेस्ट पे रख देंगे। इस तरीके से अच्छे से पूरा रब कर लेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे ढक के रेस्ट के लिए। और इसके बाद हम अपना जो चिकन है उसका ये अंदर का तैयार करेंगे। चूल्हे पे हम पैन लिए हैं, पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम दो चम्मच के आसपास ऑयल डालेंगे, इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे। अदरक और लहसुन इसके अंदर हम डाल के हल्का सा इसको भून लेंगे, दो तीन मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। दो तीन मिनट हमारा हो चुका है, अब इसके अंदर हम जो चॉप किया हुआ हमारा प्याज है ये आप देख पा रहे हैं इसको डाल देंगे।
समोसे में प्याज का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि थोड़ा ऐसा मुंह में क्रिस्पी सा लगता है तो अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर डालिए। इसको एकदम ब्राउन नहीं करना है, इसको भुनना नहीं है, हल्का हल्का सा इसका कच्चापन बस निकालना है। तो इसको चला चला कर हम भून लेंगे। प्याज हमारा ये देखिए भुना चुका है। अब इसके अंदर हम ये जो हरी मिर्च कूट के रखे थे ये डालेंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अगर बच्चे लोग के लिए बना रहे हैं तो मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें। मैं ये सब डाल रही हूँ, ये मैं 5-6 मिर्च ली थी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम अपना जो चिकन है इसको इसमें डाल देंगे। अगर जो वेजी हैं जिसको चिकन नहीं पसंद है, चिकन मटन नहीं खाते हैं, तो वो इसको स्किप करके और इसके अंदर आलू डाल के और समोसा बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत टेस्टी बनता है ये। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो बाकी का मसाला है उसको हम डालेंगे। काली मिर्च जो हम 1 पिंच के आसपास लिए थे इसको डाल देंगे। सौंफ को हम रोस्ट करके इस तरीके से कूट के लिए थे, इसे भी डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। नमक डालेंगे। नमक हम जो मैदे का डो बनाए थे उसमें भी डाले थे, तो इसके लिए नमक बहुत हिसाब से हम डालेंगे ताकि इसमें नमक ज़्यादा ना हो। ये कुटा हुआ जो धनिया है इसे भी डाल देंगे। इससे मैं मेजर करके ले रही हूँ। आप अगर आपके पास नॉर्मल चम्मच है घर का तो उससे आधा चम्मच के आसपास ले सकते हैं। जीरा पाउडर ये देखिए 1 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से मसालों में पक चुका है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं इसके अंदर आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर भी इसमें डाली हूँ, क्योंकि इसका कलर वाइट वाइट था तो मुझे वो थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा था, इसके लिए आधा चम्मच से कम हल्दी डाले हैं। ये हमारा हो गया है रेडी। अब इसके अंदर जो हमारा मैश किया हुआ ये पोटैटो था इसको डाल देंगे। इसको डाल के और अच्छे से मिक्स करके और चूल्हा हम बंद कर देंगे। चलिए इसको मिक्स करके और फिर फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है। ये देख पा रहे हैं आप, बहुत मज़ेदार का बना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, पक चुका है। अब हम समोसा अपना बनाना तैयार करेंगे। यहाँ पर इसका भी टाइम हो गया है रेस्ट करने के लिए जो हम रखे थे। अब इसको 2-3 मिनट इस तरीके से हम मसल मसल के इसको एक बार और गूंद लेंगे। बहुत सॉफ्ट हो गया है ये भी। ये हमारा डो रेडी हो गया है। ये हम अपने मैदे का जो पेड़ा है ये लेके इस तरीके से अच्छे से इसको पहले हाथ से इस तरीके से दबा दबा के बड़ा कर लेंगे। उसके बाद एक बेलन की मदद से इसको ऐसा पतली रोटी जिस तरीके से हम नॉर्मली घर में बनाते हैं उस तरीके से इसको हम बेल कर लेंगे। लेकर ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपना समोसा जो है पैक कर लिए हैं। ये पानी की मदद से इसको अच्छे से हम चिपका पाएंगे। ये देखिए हमारा समोसा ये इस तरीके से रेडी हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हम अपना सारा समोसा बना के तैयार करेंगे। एक रोटी जब हम बनाएंगे तो 2 पीस करेंगे और 2 पीस करके इस तरीके से उसके अंदर स्टफिंग करके और अच्छे से तैयार करेंगे। समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये इस तरीके का जो कटोरी रहता है इससे मैं 2 कटोरी मैदा ली थी और 2 कटोरी मैदे से हमारे टोटल 17 समोसे बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे हम और रखे हैं और साइड में हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। समोसे हमारे
फ्राई होने के लिए हम तेल में डाल दिए हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बबल्स आ रहे हैं। अब इसको बहुत आराम से हम फ्राई करेंगे। कभी भी कोई भी चीज़ अगर फ्राई करना है तो उसको पहले हम स्लो आंच पे फ्राई करेंगे, ये इस तरीके से, ताकि ये अच्छे से फ्राई होए, नहीं तो कलर ऊपर का चेंज हो जाएगा और अंदर का कच्चापन रह जाएगा। तो इसको स्लो आंच पे पहले हम पकाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद फ्लेम को फास्ट करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं समोसे इतने हल्के हो गए हैं कि ये खुद ही ऊपर, ये देखिए इस तरीके से ऊपर आ रहे हैं। तो इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। समोसे हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि समोसे का कलर किस तरीके से चेंज हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी फटा नहीं है, ये देखिए। अब इसको हम बाहर निकाल के इसी तरीके से अपना पूरा समोसा हम फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे समोसे रेडी हो गए हैं। इस तरीके से हम अपने समोसे फ्राई करके निकाल लिए हैं और ये बहुत क्रिस्पी हुआ है, ये देखिए। मैं ये देख पा रहे हैं कि इसकी साउंड किस तरीके से आ रही है। और ये देखिए इसका स्टफिंग देखिए, बहुत यम्मी है। इस तरीके से आप समोसे बना के अपने घर में खा सकते हैं सॉस या चटनी के साथ। अगर ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।